तो चलिए दोस्तों, अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आया हूँ खाना खाने। ये देखिए दोस्त, ये देखिए धूप दोस्तों काफी ज्यादा, इसीलिए नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। और अभी सुबह सुबह मैं दिव्यांश के पापा का नाश्ता लगा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों है चावल की रोटी, और ये है इसका क्या मन, प्याज का ना कतरा बना रहे दोस्तों। ये देखिए प्याज का कतरा बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब एकदम से इजी होता है। देखिए प्याज काट लिया बेटी, और इसमें मरचा है वो पका के रखिए दोस्तों, आग में पका के, और उसको बुक के रख देगी मतलब तोड़ के रख देगी, और कतरा तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों अभी खाना बन रहा है, लेकिन चावल दाल और आलू ने हम दाल में उबाल लिए तो दोस्तों आज ना फिर से हमको काम पे जाना है, तो इसलिए सुबह सुबह 9 बजे हम लोग जाते हैं नाश्ता उस्ता करके, और उसके बाद 12-1 बजे आते हैं तो खाना खाते हैं। तो वही देखिए दोस्तों ब्यूटी बना रही है ये कतरा, और इधर खाना तो अभी बन ही रहा है, इसलिए चावल का रोटी बना दी है ब्यूटी, और सब सामान यहाँ पे दिव्यांश अभी सो के उठाए तो नानी के साथ गया उधर खेलने, और हम लोग अब नाश्ता करेंगे। और दोस्तों यहाँ बाजू में जो घर बन रहा है उसमें काम करने चल जाएंगे दोस्तों। अभी से ना 1-1.5 महीना तक यहीं पे काम है ना, तो 1-1.5 महीना दोस्तों मेरा वहीं पे काम हो जाएगा, और इसी की वजह से दोस्तों वीडियो उतना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा दिन काम करके ना रात को एकदम से थक जाते रहते हैं, तो वीडियो एडिट करने का दिल ही नहीं करता। आते ही मतलब पहली बार कर रहे हैं ना, तो आते ही बिस्तर पे आते ही नींद कब लग जाता है पता ही नहीं चलता है, एकदम से थक जाते। तो और दोस्तों ये काम ना ज्यादा दिव्यांश के लिए हो रहा है, क्योंकि उसे सही है साइकिल, साइकिल चाहिए दोस्तों। दिव्यांश से पूछते हैं कि पापा किसके लिए काम कर रहे, तो बोलेंगे कि हमको साइकिल खरीदने के लिए काम करते। तो दोस्तों 1-2 दिन काम कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा आदत से बन जाएगी, तो फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू होने लगेगा, क्योंकि अभी तो मतलब बिस्तर पे आते काम करके आते तो नींद लग जाता है, कब नींद पड़ता है पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए दोस्तों कतरा रेडी हो चुका है, अब इसमें नमक डाल के मिला देगी और थोड़ा सा तेल डाल देगी, बस इतना इजी और टेस्टी, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं ये, आप लोग खाए या नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। गांव से होंगे तो जरूर खाए होंगे, लेकिन शहर से देख रहे होंगे तो नहीं खाए होंगे दोस्तों। ये देखिए और दोस्तों ये जो मतलब इतना कचरा नहीं है, ये सब तो पत्ता से हमारे इधर खाना बनता है ना, तो इसकी वजह से आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि आप लोग के किचन के पास बहुत कचरा रहता है, तो दोस्तों ये कचरा नहीं है, इसी से हम लोग का खाना ही बनता है, तो इसको कचरा नहीं बोल सकते हैं, ये जलावन है दोस्तों, तो इसका यूज होता है, ये पता है तो ऐसे इस तरह लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों कचरा बन के तैयार हो चुका है, चावल की रोटी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। गेहूं का आटा है ही नहीं हम लोग के पास, तो इसलिए चावल के आटा से बन रहा है रोटी, अब इसमें से काम कर लेंगे ना, तो गेहूं का आटा 1 बोरी ले आएंगे दोस्तों, तो फिर रहेगा। चलिए आप खा लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों चावल की रोटी और कतरा, और दोस्तों ये देखिए नाश्ता नहा चुका है, और एक आलू भी मैंने रख लिया है, और दिव्यांश को देखा है बेटा नहीं टूटी, तो सुपारी का खा रहा, रख दो उसको। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करते हैं और उसके बाद चल जाएंगे काम पे दोस्तों, और काम पे ना दोस्तों हम लोग वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते, क्योंकि 9 बजे आएंगे ना तो 12-1 बजे तक कंटिन्यू काम ही करना पड़ेगा, और मिस्त्री सब रहते हैं तो उसमें हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों 12 बजे, 12 या 1 बजे, क्योंकि 1 बजे लंच टाइम होगा, तो उस समय आएंगे तो आप लोग से मिलेंगे, और तब तक ये देखिए ब्यूटी और दिव्यांश आप सब के साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों नाश्ता करके हम जाते हैं काम पे, और मिलते हैं आपसे 1 बजे दोस्तों। अभी ना 12 बज चुका है, और चलिए देखते दिव्यांश की पापा कहाँ पर है, और देखिए दिव्यांश को क्या लियो बेटा, दिखा दो गाइस को, दिखा दो इधर से आगे दिखा दो, क्या है चूड़ी, क्या करोगे चूड़ी लेकर, पहनेंगे दोस्तों ये दिव्यांश बस चूड़ी पहनेगा दोस्तों, ये खाना ही नहीं खाता, देखिए कितना पतला हो चुका है, आप लोग कमेंट में बताएगा कि मुझे क्या करेगी ये खाना खा, तो देखिए कितना पतला हो चुका है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। और दोस्तों चलिए दिव्यांश के पापा को देखते है कि कहाँ पर है, और ये देखिए दोस्तों बाहर ना काफी ज्यादा धूप है, और इधर तो है नहीं दिव्यांश, और दोस्तों दिव्यांश के पापा शायद उधर गए हैं बालू लेने, देखिए भाई जी अभी आ रहे हैं, और यहीं पर ना सारा सामान जमा करेंगे और फिर आएंगे खाना खाने, तो अभी सारा सामान यहाँ पर जमा कर लेंगे, जैसे गिट्टी बालू ये सब, फिर आएंगे खाना खाने। और दोस्तों ये देखिए दिव्यांश के पापा आ रहे हैं बालू लेकर, ये देखिए धूप दोस्तों काफी ज्यादा, इसीलिए काला काला आ रहा है, और देखिए यहाँ पर ना सारे मसालों को जमा कर रहे हैं, आराम से रखिएगा,
ऐसे क्यों गिरा लेते, हाथ कट जाएगा। ग्लव्स लगाए। और दोस्तों ये देखिए, तब से हम लोग लगे हुए कंटिन्यू काम कर रहे हैं और हाथ उठ कट जाए इसके लिए ग्लव्स लगा लिए। और दोस्तों धूप ने बहुत काफी बहुत ज्यादा है, मिलते आप लोगों से थोड़ी देर में। और दोस्तों वहाँ से ना, वहाँ पे जो दरवाजा दिख रहा है लाल वाला, वहाँ से लाना पड़ता है गिट्टी बालू ईंटा सारा सामान जो कुछ भी रहता है ना वो वहीं पे रहता है। और ये देखिए जोधा को डांस कर रही है दिव्यांशु। तो चलिए दोस्तों, दिव्यांश के पापा ने सारा सामान वहाँ पे जमा कर लेंगे, उसके बाद आएंगे घर पे खाना खाने। तो अभी मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा और, तो चलिए पहले उनको ना सारा मसाला वहाँ पे जमा करने देते हैं, उसके बाद आएंगे खाना खाने। तो फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आया हूँ खाना खाने। ये देखिए दोस्तों, दाल चावल है और इधर आलू का चटनी, उधर आलू बैगन का, आलू गोभी का सब्जी है दोस्तों, और इधर सलाद है, और इधर देखिए दोस्तों दिव्यांश ब्यूटी बैठी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब खाना खा लेते हैं। और खाओगे बेटा दिव्यांशु? ना खाओगे? और नहीं खाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खाना खाने के बाद 1 घंटा टाइम मिलता है ना, 1 से 2 बजे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से चले जाएंगे काम पे। तो शाम को 6 बजे 5-6 बजे आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब खाना खा लेते हैं। और दोस्तों अभी ना शाम के 4 बज चुका है और चलिए बाहर देखते हैं कि दिव्यांश के पापा क्या कर रहे हैं और अभी कौन सा काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, दिव्यांश, नानी, दिव्यांश। और दोस्तों ये देखिए दिव्यांश के पापा चले गए, दिव्यांश के पापा वहाँ पर जा रहे हैं ईंटा लाने और दिव्यांश भी जा रहा है पीछे पीछे। और ये देखिए दोस्तों जोधा क्या लिए, और इधर सीमा है या चांद नानी बैठी हुई है। ये देखिए दिव्यांश के पापा ने ईंटा लेकर आ रहे हैं। दिव्यांश कहाँ है दोस्तों? दिव्यांश ना उधर ही रह गया, वो बोला था मैं भी जा रहा हूँ ईंटा ढोने। और ये देखिए दिव्यांश के पापा ईंटा लेकर आ रहे हैं। क्या है? और ये देखिए दोस्तों चांद लेकर आ रही है दिव्यांश को। दिव्यांश, दिव्यांशु कहाँ गए थे? दिव्यांश कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे कहाँ ना? पाई गुट हंस दे कपार फिर दे। ना बहुत जगी राखन वीडियो कर दी। दिव्यांशु कहाँ गए थे? दोस्तों आज ना दूसरा दिन है, कल हम लोग बहुत देर तक काम हो गया क्योंकि कल दोस्तों ढलाई था तो उसमें ज्यादा काम होता था, तो इसके वजह से हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे तो लास्ट में उस वीडियो को एंड नहीं कर पाए। तो उस वीडियो को दोस्तों आज एंड करते हैं। और ये देखिए आज के लिए हम लोग काम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और ब्यूटी इधर नाश्ता बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, मतलब कल की इस वीडियो को यही रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।